माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है वेडनेसडे, गणपति जी का दिन, और साथ साथ है बसंत पंचमी। तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप माय यूट्यूब फैमिली को हैप्पी बसंत पंचमी, और साथ में हैप्पी वैलेंटाइन डे भी, और साथ साथ बसंत पंचमी के दिन हो। और मैंने सोचा कि मैं येलो स्वेटर वेयर करूँ, तो मैंने वही करा है। मेरा मन बड़ा होता है कि जिस दिन बसंत पंचमी यानी येलो पहनती है, तो मैंने भी येलो ही वेयर करा है। मेरा मन मन होता है बड़ा, तो मैंने कहा मेरे पास है तो मैं क्यों ना पहनूँ। तो आपको जो भी होगी अपडेट आगे की, तो बने रहिए ब्लॉग में, बहुत कुछ है खास आज। अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो आपको ब्रेकफास्ट भी मिलती है। ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है। ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे, और साथ में मेरी फेवरेट चाय, और फ्रेश क्रीम जो फैल चुकी है, ऐसे लग रहा है मक्खन है, लेकिन ये बनाई है फ्रेश क्रीम। तो आप भी ज्वाइन कीजिए टेस्टी टेस्टी भोजन, ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो मैं बांधी गाइस, अब लंच टाइम हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फुल्की बना रही हूँ। आज सरप्राइज है खाने में, क्या जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाने वाली चीज़ जो आज के बने। और साथ में आज मैं येलो येलो सोचती हूँ, सब कुछ येलो, रोटी भी येलो, सब्जी भी येलो, सब कुछ येलो येलो सोचती हूँ, बसंत पंचमी। और साथ में आज कुछ खास है, यानी साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा जी, और साथ में जीतो जी माता का विवाह पूर्व भी रख लग रहेगा गाइस को, और साथ में वैलेंटाइन भी है। तो बसंत पंचमी आपको पता ही है, तो मैंने सोचा आपको पूरा विश कर दूँ, उस साथ में रोटी को भी मैं ध्यान नहीं दूँ। तो आपसे बात नहीं मिलती है, बने रहिए मैम। लंच हमारी रेडी है। आज ये सरप्राइज में यही था, आलू, गाजर, मटर, और साथ में रोटी, और साथ में कार्ड, क्योंकि मैं बहुत कम लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी ज्वाइन कीजिए, खाने खाने के बाद आपसे मिलते हैं। आज देखिए मैं किस में बना रही हूँ मैगी, येलो रंग हैप्पी बसंत पंचमी बना रही हूँ मैं अपनी मैगी के साथ। वाह वाह, ये भी मैगी जो हमारी फेवरेट मैगी है, मेरी तो हर मैगी फेवरेट होती है। तो लॉन्ग ही होती है, चाहे बाहर भी खा लो चाहे घर में बनाओ, नूडल्स तो लॉन्ग ही होती है। ये बच्चों की तरह खाती है, बच्चे जब हम छोटे थे ना, तब मम्मा ऐसे करती थी ताकि दांतों में ना अड़ जाए या कुछ भी, आई डोंट नो क्या क्या सोच के मम्मा ऐसे करती थी। मंगाई थी ऑनलाइन, मंगाई थी ना, तो ऑनलाइन में ना जमी में निकली थी मैगी, मुझे याद है। मैं पता नहीं किस ऐप से मंगवाई थी। मैंने आपको दिखाया था कि मैं लंच कर चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने लंच पूरा नहीं करा। मैंने आपको दिखाया जरूर है, वो मैंने क्या करा, एक रोटी मैंने साइड में रख दी, हमने एक एक रोटी खा ली। तो हमने सोचा मैगी के साथ में खा लेती हूँ एक रोटी, तो मैंने सोचा दो तो रोटी खानी चाहिए, वरना सेहत में तो डाउन हो गया ना, इसलिए तो आप खाने रहते हैं। अब टाइम हो गया चाय टाइम। आज मेरी बहन चाय बना रही, देखते हैं कैसी चाय बनाती है वो, अच्छी है खराब, उसी के बाद चलते हैं। देखिए इसकी चाय बन रही है, चाय दानी में नहीं बना रही, फ्राई पैन में बनाती है चाय। गाइस लगता है चाय खराब हो चुकी है, चश्मा लगने वाला है। नहीं नहीं, मेरे को गॉड की कृपा से नहीं चढ़ा हुआ चश्मा। ओहो आई सी। तो गाइस कोई अदरक डाल रही है, नहीं ये नहीं हो सकता, अदरक ना बहुत बेकार लगता है चाय के अंदर। गाइस आपको भी बेकार लगता होगा, और नमक डालना तो अच्छा लगता है, और मेरे को ना तुलसी वाली चाय अच्छी लगती है, लेकिन वो नहीं है ना अभी। तो गाइस थोड़ी देर टिकती नहीं है, क्योंकि बिल्लियाँ इतनी हैं, कुत्ते भी इतने हैं, हाँ सारे वैसे जानवर यहीं पे आए हुए हैं, शेर की कमी है। हाँ शेर भी आ जाएगा एक दिन, आज बंदर तो आ चुका है। आज बिल्ली का मेरा सामना हुआ, तुझे पता है? सच्ची में बिल्ली मुझे देखी, मैं बिल्ली को देखूं, फिर मैं टिक गई। नहीं बिल्ली नहीं टिकी, वो चली गई। तुझे पता ना सात घर टपनी होती है, तो फिर गाय जिसे बनाने देते हैं उन्हें चाय का सत्यानाश हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं चाय पर ही, देखते हैं कि चाय कैसी बनी है। इस चाय रेडी है, तो पता नहीं इसने कैसी बनाई होगी, अच्छी बनाई है, देखते हैं टेस्टी है कि नहीं। अदरक से भरी हुई तो नहीं है कहीं, अदरक डाला था घिया भी डाल देती, गाजर मटर सब कुछ डाल देती। तो गाइस इसे एंजॉय करते हैं
चाय को, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। आज मामा मेरे लिए कुछ खास लेके गए जो मुझे बहुत पसंद है, आपको दिखाती हूँ। ये माय फेवरेट बिस्कुट निकिन हर्ट्स का वैलेंटाइन का उम्र गिफ्ट है, और साथ में मेरे बिस्कुट हैं और बॉन्डी, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी फेवरेट सेंटा फ्रूट वाली, इट्स कॉल्ड सेंटा फ्रूट, हाँ रंधा फ्रूट नहीं है वो वाली, नहीं है दूसरी वाली, इतनी लाई है। हाँ मुझे इतना ही पसंद है, मैं इतना खा नहीं सकती। तो आपके बारे में कुछ कहने चाहते हो इसके बारे में खाने में? नहीं, अब मुझे खाने तो मुझे राइस की वेट कर रही हूँ। खाना मेरे नहीं आया, आपके लिए नहीं आया, शेयरिंग की शेयरिंग आई तो पहले भी रह चुकी हूँ। चलो खाने देते हैं इसको, हम आपसे बंद मत करते हैं। गाइस मेरी बहन और मम्मी और मैं एक जगह जा रहे हैं जो आपके लिए सरप्राइज है, तो उसी के लिए वो तैयार हो रही है, उससे पूछती है कितने चलनी है। तैयार हो के कितने चलनी हो बताओ, गले गले तो नहीं है, तभी तो मैंने ये गाना ऐसे बनाया है अपनी तरफ से, वो लगाना लगता ये मेरा गाना है। तो हाँ तो बताइए YouTube फैमिली को इधर मुँह करके, ये तो सस्पेंस है गाइस, तो इसका सस्पेंस ही रहने देते हैं। तो आगे हम चलते हैं, आपको बाद में बताते हैं कहाँ जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, आपको दिख ही जाएगा, तो बने रहिए तब तक के लिए। बहुत अच्छा हो गया मंदिर गुरुद्वारा, बहुत चारों चीज़ें मस्जिद में आई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ भाई आ चुके हैं आज मंदिर में, आज सभी को पता है आज बसंत पंचमी है यानी माँ सरस्वती का दिन, तो उसी विषय पे मैं आपको एक शब्द एक भजन सुनाने जा रही हूँ, सुनो जो सुनाती हूँ। शारदी माँ हे शारदी माँ, अज्ञान दासी हमें तार दी माँ, हे शारदी माँ हे शारदी माँ, अज्ञान दासी हमें तार दी माँ। स्वर्ग देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, तू स्वर्ग देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अनूरे, अपनी शरण में हमें प्यार दीमा, हे शारदीमा हे शारदीमा, अज्ञान दासे हमें तार दीमा, अज्ञान दासे हमें तार दीमा, हे शारदीमा हे शारदी माँ, अज्ञान दासे हमें तारदी माँ। मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, संतों की भाषा आगम की बानी, भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, शारदी माँ हे शारदी माँ, अज्ञान दासी हमें तार दे माँ। तो में वीणा मुकुट सर पे साजे, श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तो में वीणा मुकुट सर पे साजे, से हमारे मिटा दे अंधेरा, ओ उजाले का परिवार दीमा, से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाले का परिवार दीमा, शारदी माँ हे शारदी माँ, अज्ञान दासी हमें तार दी माँ, हे शारदी माँ हे शारदी माँ। जय माँ सरस्वती माता, त्वाडी सजाई जय।
हैप्पी बसंत पंचमी ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। को सब सभी को पता है आज नंद साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ए माता जीतो जी का विवाह पुरब है, तो उदिया लख लख बधाइया सारे यूट्यूब फैमिली नू। ते नाल ही मैं उस बारे कुछ बतान जा रही हूँ, तो सुनियो जरूर, उसी के बारे में ही मैं बताने जा रही हूँ, तो जरूर सुनिएगा। मैं यूट्यूब फैमिली विवाह के विषय में भगवान जी के गुरु गोबिंद सिंह जी और माता जीतो जी के बारे में। तो जब अनंतपुर साहिब जब इनकी विवाह हुआ था गुरु गोबिंद सिंह जी और माता जीतो जी का, तो वो 1677 में गुरुद्वारा अनंतपुर साहिब में गुरुद्वारा गुरु का लाहौर में हुआ था। और यहाँ पे ना नगर कीर्तन भी निकाले जाते हैं, तो वो अनंतपुर साहिब के गुरुद्वारा भोर साहिब से लेके गुरुद्वारा गुरु का लाहौर में निकाला जाता है। और साथ में यहाँ पर ना जब गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा जी का जो सहरा हुआ था, तो वहाँ पे गुरुद्वारा सहरा साहिब है, तो वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा जी को सहरा बनाया गया था। आगे चलते ही वो भी एक गुरुद्वारा पौड़ साहिब, जहाँ उन जो नीले घोड़े ने उनके जो नीला घोड़े था, तो वहाँ पे उनके घोड़े ने गोविंद सिंह जी के नीले घोड़े ने पैर मारा था, तो वहीं पर पौड़ साहिब है। तो वहाँ से एक जल निकलता है जो खारे पानी का होता है। तो और साथ में गुरुद्वारा एक और गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर, गुरुद्वारा गुरु का लाहौर तो है ही है, उसमें कि उसमें भी एक कुएँ है जिसमें जल होता है। वो वहाँ पे तीर मारा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने, तो वहीं पर जल है निकलता है जो। और साथ साथ वहाँ पर एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब जी, और वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना बाला मारा था, जो तीर के जो इतना नीचे तक गया था कि वहाँ से वहाँ पे ना लोगों ने कहा था कि ना जल नहीं आता, तो उन्होंने अपना बाला मारा था, तो फिर वहाँ पर जल आने लग गया था। तो फिर वो वहीं पर स्थित है, तीन उन्होंने मारा ना, तो वहाँ पर तीन धाराएं निकली, तो जल अभी भी निकलता है। तो वैसे ही है, वहाँ पर लोगों को मना लिखा भी हुआ है कि वैसे नहीं मत्था नहीं टेकना, लेकिन लोग फिर भी मत्था टेकते हैं वहाँ पर। तो गोविंद सिंह जी का विवाह हो रहा था, तब वहाँ पे जो पाकिस्तान में वो नहीं जा सकते थे, तो इसलिए उन्होंने और लोगों के भी लोग भी नहीं जा सकते थे, तो इसलिए अनंतपुर साहिब में ही उन्होंने गुरु का लाहौर बनाया। तो वहीं पर ही उन्होंने अपने अनंत कारज, मतलब उनके माता जी के जी के साथ अनंत कारज हुए थे 1677 ईस्वी में। तो यही हिस्ट्री थी। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपको पता ही आज बसंत पंचमी है, मैंने येलो पहना है, आपको पता ही है, पहले बता चुकी हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि बसंत पंचमी आपको पता ही है पतंग उड़ाई जाती है, वो भी पंजाब में, यहाँ नहीं। और साथ साथ कल फागुन की संक्रांति, तो अब फागुन शुरू हो चुका है, अब सर्द ऋतु ख़त्म हो चुकी है, तो अब पाला आई बसंत, पाला उड़ हो गया है, तो पाला उड़ चुका है। तो मुझे ना वैसे गर्मी पसंद है, तो और साथ साथ आज वैलेंटाइन डे भी है, तो उसके लिए मैं कुछ दो लाइनें गाना चाहती हूँ। गाना पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन कोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा, अब मेरा फेवरेट सॉन्ग जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं वो गाने वाली हूँ, तो सुनो। तंगो रिश्ता बन गया है जड़ा तुपदा पसरा बकियाना, मैं चन्न सितारे की करनी,
मैनू इश्क हो गया किया लाल, तो यही कहना था मेरे दिल के बहुत करीब। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे माय यूट्यूब फैमिली। गाइस मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, आप पसंद करने वीडियो दी थी, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने जा रही थी कि आज ना वसंत पंचमी में ना बहुत सारी ना वेडिंग्स भी होती हैं, जैसे कि बाबा जी की वेडिंग हुई है, तो लोगों की भी मतलब हिंदूज में भी और भी धर्म के होते हैं उनमें भी, संस्थानों में भी, हिंदुओं में भी सबकी मतलब शादी होती है। तो आज तो हमने देखी भी है ब्राइड आते हुए, जैसे पार्लर से निकलते हुए एकदम सजते हुए, बहुत अच्छी लग रही थी वो, सुंदर लग रही थी वो ज़्यादा, तो उससे चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसने इसको ज़्यादा जीवन थी, ऊपर से वो जो लहंगा होता है आपको पता है कैसा लहंगा होता है, भारी होता है, हाँ संभालना हो। और हमने वैलेंटाइन का वो भी देखे थे, वहाँ पे बहुत सारे फूल जगह जगह वैलेंटाइन और इतनी सारी हॉट शेप में उसमें कैडीज और फ्लावर्स थे, कितना प्यारा लग रहा था। तो आपसे ये मैंने कहा ये क्लिप भी आपसे जरूर शेयर करूँ, तो आपसे आप करी नहीं मैंने, तो उससे बातें मिलती हैं। हर बारी जब भी बनाती है ना चावल, तो मम्मा ना चावल को मतलब प्रसाद सब करके भोग लगा रही हैं सरस्वती माता जी को, तो हम हमेशा ऐसे ही करती हैं। तो आपको बाद में मिलती है डिनर पर। हमारे चावल है रेडी, जो कि मैंने आपको बताया था अभी पहले भोग लग चुका है, और साथ साथ मैंने इसमें हल्दी वाली पिंच करी थी, तो वो ऐसे ही है, गुड़ के चावल है मगर ये सौंफ और नारियल वाले। तो अभी जॉइन कीजिए, कण के सबसे मिलते हैं। ब्लॉग का एंड करने का वक्त आ गया, सबसे विदा लेने का वक्त आ गया, तो मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना तो पड़ता ही है टाइम के साथ साथ। तो फिर हम अगले दिन नेक्स्ट डे फिर आएंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो उसी के साथ साथ जिन्होंने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, नाइन सर है, आने वाले ब्लॉग बहुत खास होने वाले हैं, और जो ये ब्लॉग डालूँगी वो भी बहुत कुछ खास है, तो देख लीजिएगा। और मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाती हूँ, उसे भी देख लीजिएगा, इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ, इंस्टा पे मेरा नाम है इंद्रदीप कौर, इंद्रदीप कौर के नाम से मुझे सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, और मेरे ब्लॉग को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ भी पूछना होगा ब्लॉग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड होता था, बाय।